हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शक्कर पारे, बिल्कुल हलवाई जैसे नरम मुलायम, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए बिना देरी करते हुए बनाते हैं शक्कर पारे रेसिपी। तो गाइस, मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। मैदा को मैंने छलनी से बढ़िया से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम रिफाइंड तेल। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर आधी चम्मच के करीब। ये पानी मैंने गुनगुना कर लिया। इसमें मैंने कलर फूड डाल दिया है दो चुटकी, कि बढ़िया से इसमें थोड़ा सा कलर चेंज आ जाए। अब हम इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। आप कलर के बगैर भी इसको बना सकते हैं ऐसे मिक्स करते हुए। हम दोनों हाथों से ये देखिए हल्के ऐसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे कि बढ़िया से ये मिक्स हो जाए। ये प्रोसेस इसमें बहुत ज़रूरी है गाइस, तभी आपके शक्कर पारे बढ़िया से नरम मुलायम बनेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। इसका हम एक सख्त डो बनाएंगे। पानी हमने इसमें धीरे धीरे ही डालना है, पानी इसमें ज़्यादा ना हो जाए। ये देखिए ऐसे करते हुए अब हम इसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। ये हल्के हाथों से अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं गूंदना है गाइस। अब हम गाइस एक पन्नी लेंगे। पन्नी में इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे कि हमारा डो बढ़िया से तैयार हो जाए। ऐसे ढककर रख देंगे। इधर आइए, अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने 2 कटोरी चीनी डाली है। अब हम उसी कटोरी को नाप कर 1 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए बढ़िया से ये उबलने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे सिरका। सिरका डालने से इसकी जो चाशनी की गंदगी है निकल जाएगी। ये देखिए ये साफ हो जाएगी हमारी चाशनी। हमने मीडियम आंच में इसको चाशनी को बनाना है। आइए अब हम इसकी ये देखिए ऐसे छन्नी से निकाल लेंगे कि बढ़िया से हमारी चाशनी साफ हो जाए। आप सिरके की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी हमारी चाशनी साफ हो जाती है गाइस। तो ये देखिए 15-20 मिनट के बाद हमारी चाशनी बनकर तैयार है। ये देखिए हमने एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। ये देखिए चिपचिपी हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आइए इधर, ये देखिए हमारा डो बिल्कुल 10 मिनट के बाद बनकर तैयार है। आइए अब हम पन्नी में से इसको निकाल लेते हैं। हल्के हाथों से ऐसे धीरे से इसको ऐसे हल्के से हमने इसको मसल देना है। अब हम ये देखिए रोटी के जितना लोई हमने इसको काट काट कर रख लेना है। ये देखिए अब हम इसका एक रोल बनाएंगे दोनों हाथों से। ये देखिए ऐसे करते हुए हम इसका एक रोल बनाएंगे। अब हम इसमें से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल छोटे टुकड़ों में ऐसे काट कर रख लेना हाथों से। ये गाइस बनाने में बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हो। ये देखिए ऐसे हम काट कर रख लेंगे सभी को। ये देखिए हमने काट कर रख लिया है। अब हम इसको हमने कुछ नहीं करना गाइस। ये देखिए हल्के एक उंगली से ऐसे धीरे से ऐसे कर देना है, क्योंकि इसमें दरदरा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके
शक्कर पारे बढ़िया बनेंगे। इसको हमने बिल्कुल भी ऐसे गोल नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है इसको। ये देखिए हमने रख लिया है। इधर हमारा रिफाइंड तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। गैस की आंच को बिल्कुल आप धीमी रखिए, तभी ये बढ़िया से आपके शक्कर पारे बनेंगे। ऐसे हल्के से हमने इसको ऐसे चलाना है। ये देखिए गाइस, 3-4 मिनट के बाद ये फ्राई होकर ऊपर आ गए हैं। अब हमने गैस की आंच को हल्का सा तेज कर देना है कि बढ़िया से ये फ्राई हो जाए। इसको लगातार हमने ऐसे चलाते रहना है। ये देखिए बढ़िया से ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे हम इसको निकाल कर एक बर्तन में रख देंगे। ये देखने में बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं गाइस। अब हम बचे हुए शक्कर पारों को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको धीमी आंच रखना है, उसके बाद जब फ्राई होकर ये ऊपर आ जाएंगे तो हमने गैस की आंच को हल्का सा तेज कर देना है। ये देखिए ऐसे लगातार हमने ऐसे चलाते रहना है। ये भी फ्राई हो गए हैं गाइस, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये बहुत बढ़िया इनका कलर आया है कलर डालने से। आइए अब हम, ये देखिए चाशनी हमारी गुनगुनी है, अब हम इसी में ऐसे डालकर मिक्स कर देंगे। ऐसे लगातार हमने इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे चलाते रहना है कि बढ़िया से शक्कर पारे चाशनी में डूब जाएं। ये देखिए 15-20 मिनट के बाद बढ़िया से हमारे शक्कर पारे बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और नरम मुलायम बने हुए हैं गाइस। ये देखिए ये बनाने में बहुत ही इजी है, आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजीली बनाना बताया है। तो ये देखिए गाइस बहुत ही नरम मुलायम अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है शक्कर पारे। तो गाइस अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।